लद्दाख के आसमान पर चीन पर होगा तगड़ा प्रहार। अब लेजर हथियारों से खाक होगा ड्रैगन का गुरूर। बॉर्डर पर तैनात होंगे भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन। भारत के पास होगी मिसाइलों को भून देने वाली ताकत। दोस्तों, इन दिनों भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है। बीच में पाकिस्तान ने कश्मीर में हरकतें शुरू कर दी हैं। लिहाजा दोस्तों, भारत ने एक के बाद एक ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जो चीन ही नहीं बल्कि भारत के हर दुश्मन को और उसकी मिसाइलों को हवा में खाक कर दे। भारतीय सेना को ऐसे घातक और आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए डीआरडीओ ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिका और रूस ने लेजर हथियारों की टेस्टिंग की थी, तो चीन के पास भी एनर्जी वेपन होने की बात की जा रही है। ऐसे में भारत के लिए जंगी मैदान में लेजर तकनीक से चलने वाले हथियारों का जखीरा होना बहुत जरूरी है और मोदी सरकार ने इस दिशा में तगड़े कदम आगे बढ़ा दिए हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तैयारी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के लिए एक नेशनल प्रोग्राम चलाने की है। दरअसल पूरी दुनिया में इस समय ऐसे हथियारों की मांग बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह ये है कि दो देशों की सेनाओं का आमना सामना हुए बिना ही युद्ध लड़े जा सके। ये हथियार कुछ कुछ वैसे ही होंगे जैसे स्टार वॉर्स में दिखाए गए थे। डीआरडीओ के इस नेशनल प्लान में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। दरअसल कोशिश होगी कि घरेलू इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन डेवलप किया जा सके। डीआरडीओ पहले से ही कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसमें केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर तक शामिल हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि डीआरडीओ एक पार्टिकल बीम हथियार काली पहले ही बना चुका है। काली 80 से शुरू हुआ वो प्रोजेक्ट काली 10,000 तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, भारत का ये प्रोजेक्ट आज भी टॉप सीक्रेट है। ना भारत सरकार इस पर कुछ भी जानकारी देती है और ना ही डीआरडीओ। लेकिन पाकिस्तान आज भी भारत के इस डायरेक्ट एनर्जी पर चलने वाला हथियार काली से कांप उठता है, तो चीन की भी से कपकपी छूट जाती है। दोस्तों, इसके बारे में एक वीडियो के जरिए हमने आपको बताया भी था, लेकिन आज हम आपको जो कुछ बताने वाले हैं वो बेहद खास है, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन दुश्मन की जड़ें हिलाकर रख देते हैं। तो भारत इस मामले में क्या कुछ कर रहा है, चीन के मुकाबले हमारी क्या तैयारी है और क्या लद्दाख में चीन का भुर्ता बनाने के लिए भारत ये काम पहले ही कर चुका है। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताने वाले हैं वो चीन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। क्या होता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन, कैसे काम करते हैं खतरनाक लेजर वेपन? दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन बेहतर संघनित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा वाली बीम बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, उच्च शक्तिशाली लेजर और माइक्रोवेव। इसके एक हमले से दुश्मन के हथियार जल जाते हैं और मिसाइल, जहाज, यूएवी और युद्ध में तैनात उपकरणों की सर्किट को जला देता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बौछार की जाती है। इनके दो मेजर सब सिस्टम होते हैं, लेजर सोर्स और पार्टिकल बीम कंट्रोल सिस्टम। पावर की बात करें तो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए किसी लेजर वेपन को 500 किलोवाट की बीम की जरूरत पड़ेगी। यह हथियार इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये शरीर के किसी हिस्से में असहनीय गर्मी पैदा कर सकते हैं और इनसे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये लेजर वेपन काफी मददगार हो सकते हैं। ये केवल लड़ाई में काम नहीं आएंगे बल्कि आम दिनों में दुश्मन देश की जासूसी करने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। जैसे ड्रोन्स के जरिए हो रही जासूसी का पता लगने पर ये तुरंत उसे खत्म कर सकते हैं। भारत किस तरह का माइक्रोवेव हथियार बना रहा है का फिलहाल पता नहीं है, लेकिन डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में अगस्त 2017 में ट्रक पर जिस हथियार का परीक्षण किया था वो 1 किलोवाट का था। इसने 250 मीटर दूर से निशाना लगाया और 36 सेकंड में धातु की चादर में छेद कर दिया था। युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है क्योंकि प्रकाश की गति से चलने वाले ये हथियार एकदम सटीक निशाना लगाते हैं। एक शॉट पर कम खर्च आता है। मिसाइलों के मुकाबले फ्लेक्सिबल होते हैं। रैपिड रे टारगेटिंग के साथ कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है और अगर पावर सप्लाई पर्याप्त हो तो इनका जब चाहें इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। डीआरडीओ का एनर्जी वेपन उड़ा देता है ड्रोन सिस्टम।
पलक झपकते ही खाक हो जाते हैं दुश्मन यूएवी। डीआरडीओ ने अब तक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने में काफी हद तक सफलता पा ली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंटी ड्रोन सिस्टम, जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने वाला है। इनमें से एक ट्रेलर माउंटेन वेपन है, जो 10 किलोवाट के लेजर से हवा में 1 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को उड़ा सकता है। दूसरा कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड माउंटेन है, जो 1 किलोमीटर रेंज के लिए 2 किलोवाट लेजर यूज करता है। ये सिस्टम सेनाओं, इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस फोर्सेस के सामने रखे जा चुके हैं। इनकी मदद से माइक्रो ड्रोन्स को जैम करने के अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज किया जा सकता है। इसे 15 अगस्त को लाल किले में पीएम मोदी की सुरक्षा में लगाया भी गया था। फिलहाल बीएसएफ ने इस तरह के ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही उसे मिल भी जाएंगे। ये सिस्टम लेजर हथियारों के वॉट क्षमता के आधार पर 3 किलोमीटर तक की माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकती हैं और 1 से 2.5 किलोमीटर तक के लेजर लक्ष्य को पा सकती हैं। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में ड्रोन आधारित गतिविधि को बढ़ाने के लिए प्रभावी काउंटर प्रभावी हो सकता है। भारत लगातार बना रहा है एनर्जी वेपन। भारत की तकनीक ने उड़ाए चीन के होश। दोस्तों, डीआरडीओ ने इस तरह के एनर्जी वेपन बनाने के लिए एक खास रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप के हिसाब से 2 फेज में इस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। फेज 1 में सेना और वायुसेना को कम से कम 20 टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर सिस्टम्स की जरूरत है, जिनको पहले तैयार किया जा रहा है। इस चरण में डेवलप हथियारों की रेंज 6 से 8 किलोमीटर है, जबकि फेज 2 में ऐसे लेजर सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा है। सेना को 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की भी जरूरत है, जिनकी फेज 1 में रेंज 6 से 8 किलोमीटर और फेज 2 में रेंज 15 किलोमीटर से ज्यादा है। हालांकि दोस्तों, स्वदेशी तकनीक पर इस तरह के एनर्जी वेपन बनाने के लिए काफी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। इस वक्त अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इसराइल के काफी शक्तिशाली एनर्जी वेपन है। इसराइल बाकायदा इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर चुका है। साथ ही उसने भारत के साथ भी इसको लेकर डील करने की बात कही है, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि युद्ध में दुश्मन को हराने में लेजर हथियारों का कोई सानी नहीं। हालांकि दोस्तों, अंदरूनी तौर पर पूरी दुनिया में ये चर्चा पहले से ही है कि भारत के पास ये हथियार पहले से ही मौजूद है, जिसके बाद चीन में इनको लेकर काफी खौफ का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के काली वेपन की ताकत की नुमाइश देख भी चुका है, जिसके जवान काली के तूफान में हमेशा के लिए खाक हो गए थे। तो वहीं दोस्तों, पिछले साल मई में अमेरिकन नेवी ने भी हाई एनर्जी लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था। उसका दावा है कि ये बीच हवा में ही एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। अमेरिकन नेवी ने अपने परीक्षण के सबूत के तौर पर लेजर वेपन की कई तस्वीरें भी दी थी। अमेरिका ने कई साल पहले भी एक जंगी जहाज से 33 किलोमीटर लेजर के जरिए ड्रोन्स को टारगेट किया था। मई 2020 में अमेरिकी नौसेना ने एक ड्रोन एयरक्राफ्ट को हवा में ही अपंग कर दिया था। अमेरिका अगले 4-5 साल में 300 से 500 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैनात कर सकता है, जो क्रूज मिसाइलों को उड़ाने में सक्षम होंगे। तो वहीं दोस्तों, इसराइल ने अपने आयरन बीम को दुनिया के सामने रखा है। ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। इसका शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई लक्ष्य को बर्बाद कर सकता है। इसे कम दूरी पर उड़ने वाले फिक्स विंग के एयरक्राफ्ट, रॉकेट टैंक और तोप के गोले, मोर्टार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी माना जा रहा है। आयरन बीम फायरिंग के 4 से 5 सेकंड के भीतर हवाई टारगेट को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का इस्तेमाल करता है। इसे स्टैंड अलोन वेपन के तौर पर या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसराइल ने जब इस अमोघ हथियार को डेवलप किया, तो इस कामयाबी के मौके पर इसराइल ने अपने दोस्त भारत को याद किया था। मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में भारत के पास भी ये तकनीक हो सकती है, यानी भारत भी पीछे रहने वाला नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ सालों में भारत भी इस तरह के बहुत से डायरेक्ट एनर्जी वेपन से लैस होगा।